हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरेकाल, केम छो। मैं वी के सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दास जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, पिछले हफ्ते थोड़ा सा व्यस्त थे। व्यस्त होने के अलग अलग रीजन थे। घर में छोटे मेडिकल इशू था, इस वजह से क्लास टाइम पे नहीं हो पा रही थी। तो फिर ये प्लान हुआ कि चलो ठीक है, एक मंडे से ही रेगुलर क्लास करेंगे। और कुछ बच्चों के बीच में मैसेज आ रहे थे कि सर साइकोलॉजी क्लास नहीं हो रही, हिंदी क्लास नहीं हो रही। तो बेटा, कुछ ना कुछ जब रीजन होता है ना, तभी आपकी क्लासेस जो होती है वो मतलब नहीं हो पाती हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, आपके लिए डेली वीडियोस दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये भी आपके साथ साथ में चलना बहुत जरूरी है कि घर परिवार में सभी के ही कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैसेज करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि कुछ ना कुछ समस्या रही होंगी, तभी इसलिए नहीं आ रही वीडियोस, ठीक है? तो आगे ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा लगे आपको कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही है, तो उसका रीजन यही होगा कि कुछ ना कुछ फैमिली में कोई ना कोई इशू रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा आप ना स्वयं से ही समझ जाया करें, क्योंकि बताना थोड़ा सा एक अच्छा नहीं लगता है कि अपनी इस तरह से बातें को बताएं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि हमारे पढ़ाई का प्लेटफॉर्म होता है, पढ़ाई से संबंधित ही बात होनी चाहिए। बट कुछ बच्चों के फ्रिक्वेंटली मैसेजेस थे, इस वजह से मेरे को ये बताना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चे लोग, जिन्होंने अभी तक ये नंबर नहीं किया है अपने फोन में ऐड, इसको नंबर को ऐड कर लो। और ये व्हाट्सएप नंबर है, किसका नंबर है? ये नंबर है अंकित सर का। अंकित सर को एक मैसेज कीजिए और उनको बोलिए कि आपको अपने PRT, TGT और PGT वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। ऐड करने के बाद होगा क्या, जो भी नई नई वीडियोज आएंगी आपके पास यूट्यूब की, ठीक है ना, वो आपको समय से एकदम तुरंत उसकी वीडियो का लिंक आपको मैसेज में मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो यूट्यूब है वो सभी को ना नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है, ठीक है? और रही दूसरी बात कि यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, हमारा कोर्स जो है वो PRT का है, ठीक है ना, और TGT और PGT का फर्स्ट पेपर है, ये आप ध्यान रखें ना, ये पेपर 1 है। और यहाँ पे PRT का तो पूरा आपको कंटेंट है, क्योंकि हम शुरू से ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट है जो हमने तैयार किया था, वो KVS को सोच कर किया था, KVS के सिलेबस को सोच के किया था, और उसके बाद DSSB में भी किया था, फिर अभी उसको थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो KVS पे ही है, ठीक है ना। बाकी DSSB के लिए कोई स्पेशल कोई कोर्स नहीं है। जिन बच्चों ने KVS का परचेज किया है वो DSSB की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वही कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो वही सब आने हैं। तो जो बस फॉलो ही करना है कि आपको जो डेली यूट्यूब की वीडियोस आती हैं, उनसे आपको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो दोनों पोस्ट को ध्यान में रखकर बनाए हैं, DSSB को भी और KVS को भी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने नोट्स की तैयारी करें। और आप कंटेंट वीडियो अगर देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर आके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा, आपको लिंक में मिलेगी एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन और एप्पल स्टोर की एप्लीकेशन, ठीक है? आप उन जाके डाउनलोड करें, लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद उसको कुछ वहां पे वीडियोस आपको फ्री दिखाई देंगी, फ्री क्लास, तो वहां देख सकते हैं आप उनको। और फ्री देखने के बाद आप स्वयं को ये देख सकते हैं कि आके दैट यस यू आर सेटिस्फाइड। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो अपनी वीडियोस को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, समय न व्यर्थ करते हुए हो गई हमारे कोर्स की बात, चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रश्न नंबर 81, इस क्लास का ये पहला प्रश्न है। कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, ठीक है ना? आया हुआ प्रश्न है ये एग्जाम में, याद रखें। परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और संख्यावाचक। देखिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया है, पहले जानते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं आपके गुणवाचक, सॉरी हाँ, परिमाणवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक, ठीक है? और व्यक्तिवाचक नहीं होता है। कौन सा होता है? एक होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है? व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, ठीक है? तो सार्वनामिक विशेषण होता है, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं, ये आप लिख लीजिए, संकेतवाचक, ठीक है? ये विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और नंबर 4 हो गया सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक
अब यहाँ पे बात देखिए आ जाते हैं प्रश्न पे, कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा क्या है। देखिए यहाँ पर जिस चीज की, जिस चीज संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है, मीठा। क्लियर। अभी मीठा जो विशेषण है वो उसका कैसा है, आप ध्यान दें कि ये जो फल है ये मीठा है, ये इस प्रकार का क्या है, ये क्या परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में आपको पता है कि किसी भी प्रकार का रिजल्ट की बात की जाती है, फल की बात की जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए उसके यहाँ पर क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं, तो क्या बचा आपका गुणवाचक, क्योंकि अमरूद कैसा है, वो मीठा है, तो ये अमरूद का क्या है, गुण है। क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 82 पे। 82 कह रहा है कि विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपके देखिए सामने ये चार विशेषण के भेद जो भी पीछे लिखे थे वो यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, कि चार विशेषण के शब्द हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब कह रहा है जो इसके सामने जो ये दिया हुआ है ये सही होना चाहिए, बस एक शब्द नहीं है, है ना। कोई कौन सा नहीं है, देखिए गुणवाचक सुगंधित, यानी कि उस वस्तु की सुगंधित होना, परिमाणवाचक देखो ढाई है ना, ढाई उसके तोल उसकी माप बता रहा है उसको, संख्यावाचक कोई, सार्वनामिक कोई। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जब संख्यावाचक विशेषण की बात की गई है तो यहाँ पर आना चाहिए था ना दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, पहला, ओके, 2 किलो, 5 किलो। क्लियर। आगे बढ़े तो प्रश्न नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 83। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक लाइन याद रखें, पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। सिंपल है। अब देखेंगे यहां पर कह रहा है निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक जब आता है तो याद रखें किसी भी चीज की एकदम कंफर्मेशन जो कि आपकी आंखों के सामने है और पास में है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो अगर हम प्रश्न नंबर 83 पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ देखेंगे अरे नलायक तू, अब देखिए बात हमको ढूंढनी है किसकी, निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो जब अरे नलायक आ गया तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि निश्चयवाचक में हमको उस स्पेसिफिक चीज के बारे में पता होना चाहिए, संबंधवाचक में, ठीक, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, ठीक है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जैसे पुरुषवाचक हो गया या आपका अनिश्चयवाचक हो गया क्योंकि कोई आ गया है, पर यहाँ पे देखेंगे आप इस पुस्तक एक शब्द लिखा है, तो जब ये कंफर्म्ड है और पास में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले बड़े प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 84। कह रहा है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है। राकेश जी, राकेश को क्या बोलते हैं, राकेश को बोलते हैं चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मून, ठीक। अब मून जो है वो उसका कह रहा है राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए राकेश में दो शब्द मिलकर जुड़े हुए हैं, क्या, राका प्लस ईश। राका होता है रात यानी कि नाइट, और ईश हो गया उसके भगवान, तो रात के भगवान किसको कहा जाता है, राकेश को, अर्थात चंद्रमा। बढ़िया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है अविकारी शब्द होता है कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये और फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट भी होता है, कभी इसका ऑप्शन ऊपर आ जाता है, कभी ऑप्शन का नीचे आ जाता है, ठीक है। कभी आ जाएगा कि ये संज्ञा, ये अब जैसे मान लीजिए इसका अगर मैं आंसर बताऊं, कई बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका, ठीक है, तो ये क्या अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जिनको आप किसी भी सूरत में नहीं बदल पाते, जैसे कि जो, कि, इसलिए, है ना, परंतु, किंतु, अगर, अगर, तो इनको आप नहीं बदल सकते, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेंगे और इन पर किसी भी प्रकार का लिंग का या फिर व्यक्ति संबंधित का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय शब्दों पर, ठीक
ठीक है, जैसे कि मैंने उसे देखा जो नाच रहा था, मैंने उसे देखा जो नाच रही थी। ठीक है, तो अगर बात करें लिंग के हिसाब से तो सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं, बट जो शब्द है अव्यय वो कॉमन है, तो इसलिए क्या है, ये अविकारी शब्द होता है। अगला बड़े प्रश्न नंबर 86, 86 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न है तो, क्योंकि देख के पता चल जाता है। आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है ना, जो आह देख रहे हैं आप इधर, आह में आपको इधर एक एक्सक्लेमेशन साइन मिल रहा है, तो आप वो किसका सूचक है, निषेध वाचक, विस्मयाद, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। तो सिंपल है, जब वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहा है तो वो विस्मयावाचक वाक्य है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। जी मैथिली आपको एक बताइए, मैथिली आपके बिहार और उसके आसपास के जो संबंधित राज्य जैसे कि झारखंड, ठीक है ना, उसके आसपास में मुख्य तौर से ये बोली जाती है, वहां की ये एक मुख्य भाषा है। और मैथिली के बहुत सारे सिंगर हैं जो कि फेमस हैं, एक्टर्स हैं बहुत ही फेमस हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जो मैथिली में जो साहित्य रचना जिन्होंने करी है उनका नाम क्या है। विद्यापति, भारतेंदु, सरहपाद और अज्ञेय। देखिए जब हम मैथिली की बात करें तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में एक नाम आता है, जिन बच्चों ने पढ़ा है देखिए आंसर कर रहे हैं, वो कौन है, विद्यापति। ठीक है ना, विद्यापति ही एक ऐसे हैं जिन्होंने मैथिली में बहुत सारी जो साहित्य सृजना करी है और उनका नाम आज भी लिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। जैसे ही हम द्रविड़ शब्द देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, साउथ इंडिया की। ठीक है, जैसे ही हम द्रविड़ देखते हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने भाषा की क्लास अगर देखी हो तो उनको पता है कि द्रविड़ भाषा जो है वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को दर्शाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो उड़िया, बंगा, बांग्ला और असमिया, ये जो सभी हैं ये कहाँ पे हैं, ये सब ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, जो भारत का जो हिस्सा है। ठीक है ना, जो जैसे देखिए ये NESW, ठीक, तो यहाँ पे जो ये भारत के हिस्से हैं आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ये उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये बंगाल है और यहाँ पे आपका असम है, तो यहाँ देखेंगे ये एक साथ ही है। एक बचा क्या, कन्नड़। कन्नड़ किधर है, कन्नड़ ये रहा। ठीक है, कन्नड़ मतलब कहाँ की भाषा है, कन्नड़ है आपकी कर्नाटका की, क्लियर, तो इसलिए हमारी द्रविड़ भाषा की परिवार की भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 89, आसान सा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है शुद्ध वर्तनी की बतानी है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है। दीर्घायु वाली स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर, ठीक है, अब सही कौन सी है वो आपको पहचाननी है, जल्दी से उत्तर दीजिए, ये तो आसान सा ही प्रश्न है। देखिए एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, मैंने पहले भी सिखाया था, जब भी आपको ये जो ऊपर जो री वाली मात्रा है, ठीक है, जो ये जब भी आपकी जो री वाली मात्रा है, इसको आप कैसे समझेंगे, इसको समझने का एक मात्र एक सिंपल सा तरीका है, मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों की किताबों में लिखा रहता है ये, ठीक है ना, इसको बच्चे पढ़ते हैं दर्द, या थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे जब वो क्लास 3 और 4 में आएंगे, फिर वो पढ़ेंगे इसको दर्द। तो देखिए ये जो दर्द शब्द बना है ये पहले क्या है, रा साउंड पहले है और मात्रा लगती है अगले अक्षर पे, ठीक है, तो अगर हम उसी में देखें कि तो हमारा जो शब्द है, ठीक है ना, वो शब्द क्या है, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु। तो देखेंगे जो राश जो हमारी जो साउंड आई है ये वाली, ये हमारी कहाँ पे जानी चाहिए, नेक्स्ट वाले अक्षर पे जानी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ पर केवल एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि दी के बाद रा की साउंड आती है, रा हमारे आगे घा पे चढ़ी हुई है, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 90, आसान सा प्रश्न है ये भी, आया हुआ प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि इसमें आपको दर्शनाभिलाषी कैसे लिखा जाता है। जी जल्दी से बताइए, बहुत आसान है दर्शनाभिलाषी। देखिए अगर आपने अभिलाष, अभिलाषी या अभिलाष वाला शब्द देखा हो
है ना, अभिलाषी, ठीक है, किसी भी चीज के लिए मतलब आतुर होना, है ना, किसी चीज के लिए मतलब मिलना, उसको चीज के लिए वो प्रे करना, ठीक है। तो अभिलाषी में ये वाला जो है षटकोण वाला आता है, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये हमारा जो आंसर है वो फुलफिल हो रहा है, वो है आंसर नंबर बी। अगली बार ध्यान रखना, अभिलाषी में आपको सिर्फ अभिलाषी वाला शब्द देखना है, दर्शन अभिलाषी, क्लियर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि वसंत के चार पर्याय दिए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन है, ठीक है ना। वसंत एक ऋतु होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक। अब कह रहा है जो चार पर्याय हैं किसके, वसंत के, तो ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास और कांतार, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये वसंत में क्या होता है, नए नए फूल फूटते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारे जो चार जो पर्याय हैं वो यही हैं, ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास और कांतार, ठीक है ना। मधुमास मतलब ये जो मक्खियों का जो, क्योंकि जब फूल आएंगे तो मक्खियां भी आएंगी, तो इसलिए मधुमास कहलाता है। और कुसुमाकर ये जो फूल से संबंधित नए नए फूल उठते हैं, और ऋतुपति यानी कि इसको ये ऋतुपति कहा जाता है, क्योंकि यही हमारी जो सबसे अच्छी जो ऋतु वाले थे वो वसंत ऋतु ही मानी जाती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो लास्ट में क्या बचा, कांतार। अभी कांतार क्या होता है, कांतार होता है आपका फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, वन, है ना। एक शब्द और बता के चल रहा हूँ, कानन, अरण्य, एक शब्द और याद आ गया, अरण्य, ठीक। ये सब होते हैं हमारे वन के पर्यायवाची। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 92 पर। 92 कह रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या है। आपने देखा होगा अवनी एक नाम होता है, ठीक है ना, तो अवनी का विलोम शब्द क्या है जी। बहुत आसान है अवनी का विलोम शब्द, कई सारे बच्चों का हो सकता है, हमारे किसी क्लास के पार्टिसिपेंट का नाम भी हो जी। देखिए हमारे बच्चे कुछ देख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंबर, अंबर, ठीक है। अंबर मतलब बादल, है ना, बादल, क्लियर। मेघ, ठीक है, व्योम, ठीक है। तो ये सब हमारे अवनी के विलोम शब्द हो गए। अभी सितारा, धरा और शशांक, शशांक क्या होता है जल्दी से बताइए आंसर करके। धरा क्या होता है, धरा तो चलो बताता हूँ, धरा होता है हमारा अर्थ, पृथ्वी, भू, जमीन, क्लियर। शशांक क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 इजी प्रश्न है, कह रहा है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, कौन सा प्रश्न बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है जी, जल्दी से बताएं जी। पहले क्वेश्चन नंबर 93 है, 92 के बाद, हाँ जी। कह रहा है संतोष महाधन है, संतोष क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, ठीक। कह रहा है सबसे बड़ा महाधन है ये सभी में होना चाहिए। कह रहा है इसका विलोम शब्द क्या होगा, संतोष का, असंतोष, अस्वीकार, असह्य या असार। सिंपल है, संतोष में अगर आ जोड़ देंगे हम प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, असंतोष, ठीक है, क्लियर। आसान सा प्रश्न है पर पेपर में आया हुआ है, थोड़ा बड़ा तरह से लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94। कह रहे प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अब देखिए जब एक ही लाइन में आ गए तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जल जो है वो प्रतिष्ठा का भी विलोम वो पर्यायवाची शब्द है और चमक का भी पर्यायवाची शब्द है, क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसके अनेकार्थी और क्या हो सकते हैं। अग्नि होगा, नहीं होगा, आकाश होगा, नहीं होगा, मोती और नीर में कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखें जो ये नीर शब्द है, नीर का मतलब ही होता है वाटर। अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो तो वहां पर एक पानी की जो बोतल मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रेल नीर, है ना। तो नीर जो शब्द है ये हमारा पानी से संबंधित शब्द है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 95। 95 कह रहा है प्रश्न नंबर, कह रहा है कौन सा शब्द
बहुविधि समास का सही उदाहरण है। निशिदिन, तिरुभुवन, पंचानन और पुरुषसिंह। देखिए, जब बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास की, तो ये किसी एक अन्य है ना, यानी कि जो प्रथम पद और द्वितीय पद होते हैं वो किसी अन्य के लिए ही बताए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह का देखिए कि निशिदन और त्रिभुवन और पंचानन और पुरुष सिंह किस तरह के शब्द हैं, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या इनमें से कोई। तो आप इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, क्या है? आंसर नंबर सी क्या है? पंचानन। पंचानन किसको बोला जाता है? पंचानन बोला जाता है हनुमान जी को। आनन का मतलब हुआ पांच मुख, ठीक है, और पंचानन हो गया ना पांच मुख। पंचानन पांच और आनन मतलब मुख। क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 पे। प्रश्न नंबर 96 थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली एक पंक्ति छाटिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद। ठीक है, दरिद्रता में आनंद बोल रहा है। गाल बजाना, डींग मारना, गलत बताना है आपको, ठीक है। पटरी बैठना, विचार मिलना। कौड़ी का तीन, बहुत अच्छा होना। जी बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलत अर्थ किसके निकल रहे हैं? ये ठीक है हमारा, लंगोटी में फा खेलना, दरिद्रता में आनंद, है ना, बिल्कुल सही है। गाल बजाना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, पटरी बैठना, विचार मिलना, ठीक है ना, एक दूसरे के विचार मिलना, और कौड़ी का तीन का जो अर्थ होता है वो ये नहीं होता है। कौड़ी का तीन का जो अर्थ है वो है दीनहीन, या एक शब्द और मैं आपको बता के चलता हूँ, असहाय, ठीक है ना, ये होता है कौड़ी का तीन, ठीक है ना, यानी कि एक कौड़ी में तीन वस्तु है, ठीक है, तो यानी कि ये तो अत्यंत दीनहीन वाली असहाय वाली चीजें हो गई। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97। कह रहा है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार है? सिंपल सिंपल सी परिभाषा पूछ ली है एज इट इज, कि भाई एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि कह रहा है कि कोई एक शब्द है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए पट, ठीक है, तो कह रहा है एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो ना तो यमक है, ना वो अनुप्रास है, ना वो पुनरुक्ति प्रकाश है, क्या है? श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। श्लेष का मतलब ही क्या होता है, एक बार पेपर में आया था, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है ना, श्लेष का अर्थ बता रहा हूं मैं, चिपका हुआ, ये भी पेपर पूछा गया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 पे। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, मैं इसलिए इनको ले आया, अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ परीक्षाओं में देखे हिंदी वाले जो उसमें था, तो उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे आ रहे हैं कि इसको इस तरह से इंग्लिश का सेंटेंस, वो कुछ वाक्यांश आता है, ठीक है ना, फ्रेज आती है या फिर शब्द आता है, उसको आपको हिंदी में पूछता है, ये कुछ नया ट्रेंड हुआ है, तो ये मैं कोशिश करूंगा दो दो तीन तीन हम डेली डिस्कस करें। तो कंटिन्यू इन ऑफिस का सही अर्थ क्या है? 98 क्वेश्चन नंबर, जी बताइए। कंटिन्यू इन ऑफिस, स्थायी कर्मचारी, पद पर बने रहना, कार्यालय में समयबद्धता या कार्य में निपुणता। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जो लगभग लगभग समान से ही दिखाई दे रहे होंगे, ये एक दूसरे समानता दर्शा रहे हैं, पर इनका जो होता है, इनको बोलते हैं हम प्रशासनिक शब्दावली, तो इनके जो आंसर है वो फिक्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू इन ऑफिस का मतलब क्या है? पद पर बने रहना। क्लियर, बहुत सारे बच्चों ने हमको आंसर किया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99। कह रहा है कि रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, यानी कि जो रिपोर्ट होता है उसको क्या बोलते होंगे इंग्लिश में, क्या बोलते होंगे रिपोर्ट को? ठीक है, कई सारे बच्चों ने देखिए आंसर दे दिया तुरंत ही, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा या पढ़ा होगा। रिपोर्ट का जो शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में निकल कर आता है वो क्या हमारा? प्रतिवेदन, ठीक है ना, ये शब्द जो है ऑफिस में चलता है कि भाई अपना प्रतिवेदन जमा करें। अगर आपने रिपोर्ट हमेशा पास्ट इंसिडेंट की लिखी जाती है, ठीक है। अगला बढ़े, अपरिहार्य का अंग्रेजी शब्द क्या है? अपरिहार्य का मतलब होता है ऐसी चीज, ठीक है, ये आपको उसमें भी याद रखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपरिहार्य मतलब ऐसी चीज जो कि छोड़ी ना जा सके, है ना, छोड़ी ना जा सके, अपरिहार्य। नेसेसिटी, जरूरी, जस्टिफाई, अर्जेंट और न्यायोचित होता है इसका मतलब,
जस्टिफाइड का, अर्जेंट का मतलब अग्रिम, तेजी से या किसी भी चीज को, मतलब जैसे शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, ठीक, अवॉइडेबल है ना। आप देखेंगे यहाँ पे अवॉइडेबल में क्या जुड़ा हुआ है, अन जुड़ा है, और यहीं पर हमारा आंसर ये मिल जाता है, जो चीज ना छोड़ी जा सके उसको बोलते हैं अपरिहार्य। तो इस तरह के प्रश्न भी हम करते रहेंगे। इस तरह के प्रश्नों से आपको थोड़े से, आपको जो इंग्लिश और हिंदी के बीच में जो आपको एक गैप है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारे यहाँ पे खत्म होती है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है वो वीडियो को दोबारा से प्रीवियस मोड में डाल के देख सकते हैं। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी पता नहीं कहाँ बिजी हैं, जो हमारे कुछ बच्चे तो ऐसा मैसेज करा है, मुझे ऐसा मैसेज भी मिले हैं, वो बोल रहे हैं सर हम अभी कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उनको इतना मजा आ रहा है कि वो अभी कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर आके हमारे यूट्यूब को क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बेटा उनको भी अनुरोध है, अगर वो अभी नहीं देखते तो बाद में देख लें जब भी उनके पास समय है, ठीक है ना। बट देखे जरूर, क्योंकि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसके साथ साथ में जो हमारा यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, उसमें भी हमने यही चीजें करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, नए नए प्रश्न मिलेंगे तो आपकी एक अलग से ही आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा जब आप उसको हल करेंगे तो, और कंटेंट भी साथ साथ में पढ़ते रहिए। तो हमारा जो कंटेंट है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कंटेंट अभी तक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा हमारे बच्चे बताते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है अलग अलग जगह से पढ़कर आए हैं। तो बेटा एक बार अगर आपको लगता है तो जाके एक बार और जरूर हमारा ये कंटेंट वाली कोर्स आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।